जी में पहला टॉपिक है जीनोम एडिटिंग। जीनोम एडिटिंग क्या होता है? जीनोम एडिटिंग होता है जीन्स की एडिटिंग। जीन्स की एडिटिंग जो डीएनए होता है, डीएनए के अंदर डीएनए, ये डीएनए दिखा रखा है, देखिए डीएनए का होता है डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। देखो दो अगर थ्रेड है ना, थ्रेड जैसे एक दूसरे के अंदर लपेटे हुए हैं, तो ये होता है डीएनए। डीएनए के अंदर होता है जीन्स। जीन्स में होते हैं ATGC, एडिनिन, थायमिन, ग्वानिन और साइटोसिन। ए का टी के साथ होता है पेयर, एक तरफ ए होगा इसमें, यहाँ पर ए होगा, यहाँ पर टी होगा, यहाँ पर जी होगा, यहाँ पर सी होगा, तो ये पेयर अप होते हैं ए टी और जी और सी के, उसमें एडिनिन, थायमिन, ग्वानिन और साइटोसिन। एडिनिन के साथ थायमिन होता है। तो अब इसमें हम क्या करते हैं, डीएनए का नीचे दिखा रखा है डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, यहाँ पर देखिए लंबा सा है, तो इसमें अब एक जीन को ख़राब आ जाए, जीन जब इसमें कोई ख़राब आ जाए तो इस जीन को हम रिप्लेस कर सकते हैं थ्रू Cas9। Cas9 एक प्रकार का प्रोटीन होता है, वह प्रोटीन क्या करता है, इसको कट करके, जो जीन ख़राब है इसको कट करके वहाँ से फिर हम नया जीन उसमें इंट्रोड्यूस कर देते हैं। जैसे ये है, इसको हम यहाँ से कट करके इसमें एक नया जीन इंट्रोड्यूस कर देंगे। जैसे जो हेरिडिटरी बीमारी चली हुई है, जैसे किसी के पिताजी में कुछ हेरिडिटरी बीमारी है जो बच्चे में ना आए, तो हम उससे पहले उसको जीन को एडिटिंग कर देते हैं, जिस कारण हम उस बीमारी को दूर किया जा सकता है। तो इंडियन रिसर्चर्स हैं, उन्होंने लो पंजेंट मस्टर्ड बनाई है। लो पंजेंट मस्टर्ड मतलब होता है, लो पंजेंट मस्टर्ड मतलब होता है कम स्मेल वाली मस्टर्ड बनाई है, सरसों बनाई है। तो ये होती क्यों है, ग्लूकोसिनोलेट के कारण होती है। ग्लूकोसिनोलेट क्या होता है, एक एक प्रकार का जीन होता है जो उसमें मस्टर्ड में पाया जाता है, जिस कारण क्या होता है, गोइटर की बीमारी भी होती है और इंटरनल ऑर्गन एबनॉर्मलिटीज भी हो जाती है लाइव स्टॉक्स में, पशुओं में, जानवरों में, ये सब बीमारियाँ हो जाती हैं, जिस कारण इसको हमने एडिट किया Cas9 के थ्रू। ठीक है, जीनोम एडिटिंग होता क्या है, जीनोम एडिटिंग वही जीन्स होते हैं डीएनए के अंदर, और डीएनए के अंदर उसको जीन्स को एडिट किया जाता है, मतलब निकाल करके दूसरा जीन उसमें इंट्रोड्यूस किया जाता है। अब ये दूसरा जीन जो इंट्रोड्यूस किया जाता है, ये अलग अलग टेक्निक्स के थ्रू भी किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं जिंक फिंगर न्यूक्लिए, ZFN। तो ZFN और एक होता है टालेन, ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेटर लाइक इफेक्टर न्यूक्लिए, टालेंस बोलते हैं उसको, ये दो के थ्रू होता है। ये भी एक प्रकार के प्रोटीन्स ही होते हैं, जैसे Cas9 एक प्रोटीन होता है, और क्रिस्पर की फुल फॉर्म होती है क्लस्टर रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स, वही जो जिसके में जो डीएनए होते हैं वो ATGC की फॉर्म में होते हैं, वो ATGC अपने आप को बार बार रिपीट करते रहते हैं, उसी को हम बोलते हैं क्रिस्पर। ठीक है, तो इंडिया में जो अब इसके एप्लीकेशंस क्या होते हैं, देखो जीनोम एडिटिंग के, एप्लीकेशंस होते हैं हेल्थ ट्रीटमेंट में, जैसे कैंसर का ट्रीटमेंट हो गया, या फिर जेनेटिकली डिसऑर्डर का ट्रीटमेंट हो गया, जो जेनेटिकली जो पारिवारिक जो चली आ रही है उनमें जीन को एडिट करके हटा दिया जाता है। पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप होती है, कई क्रॉप्स में एक्स्ट्रा दवाई डालने के कारण वो पेस्ट रेजिस्टेंट बन जाती है, फिर उनमें हम जीन को एडिट करते हैं, जीन को एडिट करने के बाद वह ठीक हो जाती हैं। ड्रॉट टॉलरेंट क्रॉप्स होती हैं, तो कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी, को बचाने के लिए ये सब किया जाता है। और जीएम क्रॉप्स में जो बीटी कॉटन है, बीटी कॉटन को इंडिया में अलाउड कर रखा है, क्योंकि यह इतने नुकसानदेह नहीं होती है, बल्कि जो बीटी ब्रिंजल होती है, देखो बीटी ब्रिंजल है ना, यहाँ पर बीटी ब्रिंजल क्या होती है, ज़्यादा नुकसानदेह होती है इन्वायरमेंट के लिए, ये इन्वायरमेंट को हानि पहुँचाती है, इसलिए इसको गवर्नमेंट ने मना कर रखा है। अब आता है ERT, इंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। इंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी क्या होता है, USFDA जो एक US की एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसने इसको ओके कर दिया है रिप्लेसमेंट, मतलब ERT के लिए। तो ERT होता क्या है, ERT में हम जेनेटिकली इंजीनियर इसमें भी करते हैं, लेकिन इसमें हम जो करते हैं जेनेटिकली इंजीनियर एंजाइम को रिप्लेस करते हैं। एक ADA करके एंजाइम होता है जिसको बोला जाता है एडिनोसिन डीएमआईनेज। तो एडिनोसिन डीएमआईनेज नाम का एक एंजाइम होता है जो इम्यून सिस्टम को हमारे वीक करता है, जिस कारण उस एंजाइम को फिर हम जीन एडिटिंग के थ्रू उसको हम हटा, जेनेटिकली इंजीनियर के थ्रू हम, या जीन एडिटिंग के थ्रू उसको हम हटा देते हैं, जिस कारण फिर से इम्यून सिस्टम इंसान का अच्छा वर्क करने लगता है। और यह देखो एक बीमारी होती है जिसमें कंजेंशनल थ्रोम्बोटिक
थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पुरपुरा नाम की एक बीमारी होती है, जो कि एक ब्लड क्लॉटिंग को डिसऑर्डर, एक रेयर ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर होती है, जिसको हम एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी के द्वारा सही किया जा सकता है।